अगर ये मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा का कैबिन है तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? Who is it? Come in. आवाज तो भूल गए, शायद शक्ल याद हो. ओ रक्षंदा, तुम. Oh, what a pleasant surprise. गनीमत है तुम्हें मेरी आवाज और शक्ल दोनों याद है. लेकिन तुम खड़े क्यों हो गए? बैठ जाओ. मैं तुम्हारी सीनियर मल्होत्रा इंडस्ट्री में थी, यहाँ नहीं. ये तुम्हारी गलत फहमी है रक्षंदा. मैं वहां तुम्हारी सीनियोरिटी की वजह से खड़ा नहीं होता था, बल्कि औरत की इज्जत करना मेरे किरदार का एक अहम हिस्सा है. आओ सिरान. कहो कैसे आना हुआ? ऋषभ, अगर तुम अपनी आवाज में थोड़ी मिठास लाओ तब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं यहां क्यों आई. मेरी बात छोड़ो रक्षंदा, तुम तो इस कदर खुश लग रही हो मानो अपनी शादी का न्योता देने आई हो. जी नहीं, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि इस ऑफिस में मैं किसी काम के लिए आई थी और मुझे पता चला कि ऋषभ मल्होत्रा इसी ऑफिस में काम करते हैं और मैं तुम्हें सरप्राइज देकर खुश हो रही हूँ. रक्षंदा, तुम्हारे पिछली सरप्राइज को मैं अभी तक भोग रहा हूँ और यकीन जानो काफी अरसे तक मुझे भूलेगी नहीं वो सरप्राइज. फिर मुझे नए सरप्राइज देने की मेहनत क्यों करती हो तुम? ऋषभ, मैं मेहनत इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं ये जानना चाहती हूँ कि हमारे बीच जो कुछ हुआ क्या उसके बाद भी हम दोस्त बन सकते हैं? नहीं रक्षंदा, हमारे बीच में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद मुझे ऐसी कोई गुंजाइश नजर नहीं आती. क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? देखो रक्षंदा, मेरी प्रोफेशनल जिंदगी में मैं मल्होत्रा इंडस्ट्री का चेयरमैन होने के बावजूद उसी कंपनी में एक आम वर्कर की हैसियत से काम कर सकता हूँ, लेकिन अपनी जातीय जिंदगी में तुम्हें एक बहुत ही अहम जगह देने के बाद तुम्हें एक आम जगह नहीं दे सकता. ऋषभ, मैं आम दोस्ती की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें खास दोस्त बनाने की बात कर रही हूँ. That's just not possible. क्योंकि रक्षंदा तो करण की मोहब्बत का नाम है और करण की मोहब्बत मेरी दोस्त नहीं हो सकती. रक्षंदा, सूरज कभी दो अलग अलग दिशाओं से नहीं निकलता. ऋषभ, करण तुमसे कभी बदतमीजी से पेश नहीं आएगा, इसकी गारंटी मैं तुम्हें देती हूँ. अगर तुम मुझे मुझे कोई गारंटी दो या ना दो, मैं इस मामले में तुम्हें कोई गारंटी नहीं दे सकता. और वैसे भी अब तो मेरे और करण की दुश्मनी में एक नया ट्विस्ट आया, उसका बाप कुंवर रणधीर सिंह. यानी करण की मोहब्बत बनकर मैं तुम्हें पूरी तरह से खो चुकी हूं. शायद रक्षंदा, और तुम्हारे लिए मेरा एक मशवरा है, मुझे और करण को एक साथ अपनी जिंदगी में शामिल करने का ख्वाब देखना छोड़ दो. तुम तो अभी अभी मेरी जिंदगी में आई हो, जब यह सहूलियत मैंने अपनी मां को नहीं दी कि वो एक साथ करण और मुझे अपनी गोद में खिलाए, तो तुम क्या चीज हो? एक्सक्यूज मी. या आई हैव टू गो. ऋषभ, मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी, हमारी बातें अब तक पूरी नहीं हुई. रक्षंदा, हमारी पिछली मुलाकात के बाद मुझे ऐसा लगा था कि हमारे बीच में और कोई बात बाकी नहीं रही, और आज इतनी बातें करने के बावजूद अगर तुम्हें ये लग रहा है कि बात अधूरी है तो ताज्जुब है. एनीवे, मेरा इंतजार यहां करो, मैं आता हूं.